प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.2 कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है अध्याय 3 पर, जो भूमिका है, उसमें मैंने कार्तीय तल के बारे में आपको बताया है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। चलिए थोड़ा ग्राफ में देखते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इसमें कार्तीय तल, ये पूरा कार्तीय तल होता है जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु सम्मिलित होते हैं। ये मूल बिंदु कहलाता है और ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो इसमें किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित होगी। अगर कोई भी बिंदु यहाँ है तो यहाँ की स्थिति निर्धारित हो जाएगी। यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे और उसके निर्देशांक लिख दिए जाएंगे। यहाँ भी हम इसको मिला देंगे और यहाँ भी इसके निर्देशांक लिख देंगे। मतलब कहीं भी कोई भी बिंदु हो, उसके हम निर्देशांक लिख सकते हैं। तो उसकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज रेखा हो जाती है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी वाई अक्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को नाम बताइए। तो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के भागों का नाम लिखिए, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इन दो रेखाओं लिखा है ना, तो पहला क्वेश्चन जो था वह उसका मतलब है उन दो रेखाओं यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने प्रत्येक तल के भागों का नाम लिखिए। तो चलिए ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में समझ लेते हैं। ये दो रेखाएं होती हैं और इसमें जो तल बनता है, सबसे पहले एक्स और वाई देखिए, ये वाला तल बना आप यहाँ देख सकते हो, और फिर यहाँ से वाई और एक्स का ये वाला तल बन जाता है। तो हम लोग सबसे पहले भूमिका में इसको पढ़ चुके हैं, जो यहाँ हम लोग प्रथम चतुर्थांश, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ तृतीय चतुर्थांश और यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश, तो ये चतुर्थांश कहलाते हैं। तो चलिए उन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के भागों का नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इस तरीके से आप लिख दोगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और चतुर्थांश, इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, चतुर्थांश भी लिख सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम, चलिए ग्राफ में देख लेते हैं। हमें उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु पर। इसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो मूल बिंदु और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, आपको याद रखना है, आपको ऑब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं 0 0। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, और इसमें लिखा गया है आकृति देखकर निम्नलिखित को बताइए। तो आपको अपनी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो कि ये उसमें आकृति बनी हुई है, तो ये यहाँ आपके सामने है। और उसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा है बी के निर्देशांक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है बी के निर्देशांक बताइए। तो आपको जो बी बना हुआ है इस ग्राफ में ये है, तो आपको इसके निर्देशांक बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको एक्स अक्ष वाला बिंदु लिखना है, फिर वाई अक्ष वाला। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको भुज लिखना है, उसके बाद आपको कोटि लिख देना है। तो भुज कितना है आपको ये बताना है। तो एक्स अक्ष में आपको दिख रहे होंगे -5, तो सबसे पहले आपको लिखना है -5। और यहाँ जो वाई अक्ष यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये 2 है, तो -5 और 2 ये बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है सी के निर्देश बताइए। तो सी के निर्देशांक आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो ग्राफ में देखना है कि सी किधर लिखा हुआ है, सी ये लिखा हुआ है।
तो सी के निर्देशांक में, निर्देशांक लिखते समय सबसे पहले आपको भुज लिखना होता है, उसके बाद आपको कोटि लिखनी होती है। तो चलिए भुज बता दीजिए आप मुझे कितना है। तो भुज आपको देखना है ये है +5, ये एक्स अक्ष वाला भुज कहलाता है, जबकि वाई अक्ष वाला कोटि कहलाता है। तो ये 5 है और आप कोटि बता दीजिए कोटि कितनी है, ये वाई अक्ष वाला है तो ये वाई अक्ष है, देखिए आप ध्यान से, तो ये -5। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे 5 -5। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि -3 और निर्देशांक -3 यानी कि भुज वाला पहला पूछा गया है -3, उन्होंने पूछा है -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु आपको बताना है। तो -3 ये एक्स अक्ष वाला है और चूंकि ये भुज है और ये क्या है कोटि, तो एक्स अक्ष पर -3 आपको देखना है और वाई पर -5 देखना है। तो एक्स पर -3 ये है और वाई पर -5 ये है, पहचाना गया बिंदु क्या होगा, बिंदु ई। इसके बाद उन्होंने पूछा है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आपको 2 और -4 द्वारा उन्होंने पूछा है, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु आपको बताना है। तो ये भुज कहलाता है, ये कोटि, सबसे पहले भुज कितना है 2, तो आपको देखना है भुज 2 किधर लिखा हुआ है और कोटि चाहिए -4। तो भुज का 2 जो है आपको ध्यान से देख लेना, तो भुज जो कितना चाहिए आपको 2 और कोटि कितनी चाहिए -4। तो चलिए देख लेते हैं भुज किधर गया, ये है 2 और कोटि कितनी है -4, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा जी, जो पहले नहीं बना था अभी मैंने बनाया है क्योंकि मैंने बना नहीं पाया था। चलिए 2 और -4 आपका हो गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछता है बिंदु डी का भुज बताइए। तो चलिए बिंदु डी देखते हैं किधर है, तो ये बिंदु डी देख लेते हैं इधर ऊपर, बिंदु डी ये है ऊपर, तो उसका भुज बताइए कितना होगा। तो भुज कहलाता है एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष कितना है 6, तो बिंदु डी का भुज हो जाएगा 6। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद बिंदु एच की कोटि पूछी गई है, तो चलिए बिंदु एच देख लेते हैं, ये है बिंदु एच। तो आप देख रहे होंगे कि बिंदु एच जो है इसकी कोटि आपको बताना है, तो चूंकि कोटि क्या कहलाती है बाई अक्ष, तो बाई अक्ष वाला ये है, तो कोटि हो जाएगी -3। क्योंकि जब आप इसकी निर्देशांक लिखोगे तो निर्देशांक आप इस तरीके से लिखोगे, पहले एक्स अक्ष वाला फिर उसके बाद आप वाई अक्ष वाला लिखोगे, तो -5 और 3 हो जाएगा। इस हिसाब से कोटि कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी -3। तो कोटि आपको कितनी रखनी है, -3। इसके बाद उन्होंने पूछा है बिंदु एल के निर्देशांक। चलिए बिंदु एल देख लेते हैं किधर है, तो बिंदु एल ऊपर है, तो बिंदु L के निर्देशांक आपको बताना है। तो बिंदु L के निर्देश, चूंकि बिंदु L यही है, तो यहाँ तो जो भुज है ये चूंकि बाई अक्ष पर है, इसलिए बाई के 5 तो है लेकिन भुज क्या है 0 है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 0 और 5। इस तरीके से इसके निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M ये है एक्स अक्ष पर, यहाँ बाई का कोई भी बिंदु नहीं है लेकिन एक्स का -3 तो है, तो इसलिए इसके निर्देशांक होंगे -3, यानी कि पहले भुज लिखा गया है -3 और चूंकि कोटि इसकी है नहीं क्योंकि कोई बीच में तो है नहीं, इसलिए यहाँ कोटि 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और हम लोग प्रश्नावली 3.3 करेंगे। थैंक यू।